अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं पता तुम्हें ये बच्ची कौन है, नहीं पता तुम्हारा ममता बच्चन से क्या कनेक्शन है, और कितना झूठ बोलोगे राकेश, एक बच्ची से तुमने उसका घर छीन लिया, उसका परिवार उससे दूर कर दिया। ये सब कम था जो तुमने उसे किडनैप करवा दिया? राकेश, रघुवीर जो कह रहा है वो सच है? हाँ माँ, वो बिल्कुल सच है। वो राकेश ही है जो इस बच्ची का घर तोड़ के वहां मॉल बनाना चाहता था। उसके लिए राकेश ने मुंबई में एक गुंडे से हाथ मिलाया जिसने उस बस्ती को खाली करवाया, और फिर राकेश ने उस गुंडे को धोखा दिया, और उसके बदले में उसने तुलसी और उसके परिवार को कब्जे में कर लिया। बस उन्हीं को छुड़ाने के लिए तुलसी को उस बस्ती के पेपर्स चाहिए थे जो राकेश के पास थे, और जब राकेश ने देखा कि तुलसी उसके नाक के नीचे से पेपर चुरा के ले जा रही है, तो उसने उसको किडनैप करवा दिया और एक ऐसे गैंग के हवाले कर दिया जो पता नहीं तुलसी के साथ क्या करने वाले थे। माँ, मैंने इसे किसी गैंग के हवाले नहीं किया माँ, मैंने बस इसे एक ड्राइवर को सौंपा ये बोलकर कि वो उसे सही सलामत घर पहुंचा दे। माँ, इसे क्या पापा की कसम खा के कहता हूँ मैं। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि तू रायचंद खानदान का खून है, दूसरों का घर उजाड़ कर अपना घर नहीं बसाते राकेश, जरूरत क्या थी ये सब करने की? एक गरीब बच्चों का घर उजाड़ कर तू वहां मॉल बनाने चला था? हाँ, क्या मिल जाता तुझे? इज्जत। इज्जत जो मुझे इस घर में आज तक नहीं मिली। मैं दिखाना चाहता था सबको कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी किसी काबिल हूं, बिजनेस भी कर सकता हूं मैं। दिखा तो दिया तूने कि तू भरोसे के लायक है ही नहीं, और इज्जत अपने कर्मों से कमाई जाती है, ये इस तरह से चालबाजी करके नहीं। गरीब बच्चों को घर उजाड़ कर तू मॉल बनाने चला था, उस पर शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, शर्म नहीं आई? मम्मी जी, ऐसा मत करिए मम्मी जी, इनसे गलती होगी, मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता था कि ये क्या कर रहे, अगर पता होता ना तो जरूर मैं राकेश को रोकती कि मत करो ये सब चीजें। उर्मिला, तुम्हें तो पता नहीं था? नहीं था पता राकेश, क्या करते हो राकेश तुम भी, गरीब और अनाथ बच्चों का उनसे घर छीनते हो, ऐसा पाप कैसे हो गया तुमसे? शायद इसी वजह से आज तक बच्चे का सुख नहीं मिल पाया। सब आपके कर्मों का फल है ये। अब मुझे क्या देख रहे हो, जाके भाई साहब से माफी मांगो। राकेश, चलो भाई साहब से माफी मांगो। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा उर्मिला, राकेश को अगर माफी मांगनी तो वो तुलसी से मांगेगा। मुझे माफी नहीं चाहिए सेठ। मुझे अपने घर जाना है, बंटीबिया कचरे और गमला के पास, आप प्लीज उन्हें छुड़ा दो। तुलसी, मैंने जो आपसे वादा किया था वो मुझे अच्छे से याद है, घबराओ मत, मैं बहुत जल्द आपको आपके परिवार से मिलवा दूंगा।
माम। रघुवीर, कह दो इससे कि अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे। आज इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। माम। राकेश, हम चारों रायचंद एम्पायर के पिलर्स हैं राकेश। मैंने कभी भी अपने आप को ना बड़ा समझा और ना समझूंगा। बिजनेस की जिम्मेदारी भी जरूर बाबूजी ने मुझे दी है, लेकिन आज कंपनी और बिजनेस जहां कहीं भी है ना, उसका क्रेडिट हम चारों को जाता है। कोई भी बड़ी बिजनेस डील करने से पहले या फैसला लेने से पहले मैंने तुम दोनों की राय ली है। अगर तुम दोनों को लगता है ना कि तुम दोनों के साथ गलत हो रहा है तो बोलो और जो चाहिए ले लो। ये बिजनेस, ये घर जो चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ रोमिल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी तुलसी की तरह नाथ था। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे परिवार मिला, तुम लोग मिले, माँ बाप मिले, जानकी मिली, वृंदा मिली। मैं इसी में खुश हूं और यही है मेरी दुनिया। जानते हैं भैया, आपके लिए जितनी ये फैमिली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी आप भी उतनी इंपॉर्टेंट हो। लू हो गया शुरू, लक्ष्मण और ये शत्रुघ्न शत्रु बने खड़े हैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पप्पा सेठ, ये तो गलती हो गई मुझसे सेठ को पहचानने में। सेठ तो बहुत अच्छे इंसान निकले, मुझसे कोई रिश्ता नहीं, फिर भी मेरे लिए अपने परिवार से लड़े। अब मुझे विश्वास हो गया है कि अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, मुझे मेरे परिवार से जरूर मिलवाएंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इधर देखो ना, आपकी वृंदा, देखो ना कब की इंतजार कर रही है आपका। माँ इधर देखो, माँ मुझे आपके साथ खेलना है, उठो ना माँ। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, उठो ना माँ। और मेरा पेट तभी भरता है जब एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है। वो गुड़िया, प्लीज वो गुड़िया को कुछ मत करना। मैं कुछ भी करूँ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सेठ ने मुझे यहाँ सेठानी के पास बैठने के लिए बोला है। सेठ मतलब? सेठ मतलब आपके पापा, वही मुझे यहाँ लेकर आए। क्यों लाए हैं? कौन है तुम? मैं तुलसी। तुम वृंदा हो ना, सेठ की बेटी? अपनी मम्मी को देखने आई हो? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ उनको उठाने के लिए, लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। चलो मिलके ट्राई कर। नहीं नहीं शी, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। गंदी फ्रॉक पहनी है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें यही पहनाती है क्या? मेरी माँ नहीं है। अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।